हम खड़े हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में, जिसको मिनी भारत के नाम से भी जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट ये शहर अपने आप में एक अलग विरासत को संजोए रखता है। कुछ समय पहले तक, 2014 की बात की जाए, उससे पहले समय तक बीजेपी का गढ़ रहा लोकसभा क्षेत्र आज कांग्रेस के कब्जे में। दुर्ग से आए ताम्रध्वज साहू यहाँ से सांसद हैं और अभी उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। ये उन्हीं की परिदृश्य है, उन्हीं की पटकथा है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है, 2014 का चुनाव होने वाला है, किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा होगा सर। किसको देखते हैं? अभी तो देखते हैं, नहीं तो भाजपा ठीक है। देखिए, इन्होंने सीधा सीधा बताया भाजपा यहाँ ठीक है, लेकिन जो अभी की स्थिति है उसमें सीधा सीधा ताम्रध्वज साहू के पास ये सीट है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस रूप में 2019 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, 5 साल का कार्यकाल माननीय मोदी जी का बीत चुका। इन 5 सालों में जितने वादे उन्होंने किए उनमें से एक भी पूरे नहीं हुए, और आज भी हम उसी मुद्दे पर स्टैंड हैं कि 15 लाख कब आएंगे, भ्रष्टाचार कब मिटेगा, आतंकवाद कब खत्म होगा। उनका वादा था कि नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त होगा। तमाम मुद्दों की बात की, आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो पूरे नहीं हुए और उसके बाद दोबारा नई सरकार के गठन की बात कर रहे हैं? अभी तक जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उसमें से लगभग वादे फेल रहे हैं उनके, और आने वाला दिन बताएगा कि 5 राज्यों के जो अभी पिछले चुनाव हुए उसमें स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमतों से आई है। उस लहर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि देश में एक लहर राहुल गांधी के नाम की भी चल रही है। राहुल गांधी की लहर, मोदी की लहर सुना था, राहुल गांधी की लहर बहुत बड़ी बात। राहुल गांधी की लहर है नहीं, वो तो बच्चा है, कभी बोलता है आलू से सोना बनाऊंगा, कभी बोलता है पैसे दूंगा, कितना बीजेपी भी तो कहती है 15 लाख दूंगा बीजेपी। 70,000 जो आदमी 4,000 के लिए वोट में खड़ा हो, नोट में खड़ा हो, 70,000 कहाँ देगा? तो बात करना नहीं आता, मोदी लहर है, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। मोदी लहर है कोई कहता है, राहुल गांधी की लहर है कैसे? भाई साहब देखिए, विषय वहाँ पर मोदी और राहुल की नहीं है, विषय है राष्ट्र का, और ये चुनाव हो रहा है राष्ट्र का, और राष्ट्र के चुनाव के लिए तो मजबूत और मजबूत सरकार की अंतर आती है। मजबूत किसको मानते हैं? मजबूत तो मैं ये मानता हूँ जो बोल्ड निर्णय कर सके, जिसमें जो है क्षमता हो कि राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान कर सके। मोदी जो कर रहा है देश के लिए, आज पूरा देश के हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि आज जो भारत पाकिस्तान की जो बात आई है, चाहे चीन और भारत की बात आई है, कांग्रेस का गढ़ है ये। अगर मोदी मजबूत थे, मोदी को मजबूत करना, तो कांग्रेस का गढ़ कैसे? कांग्रेस का गढ़ कभी नहीं रहा, मान के चलिए। कांग्रेस हमेशा झूठे वादे और खोखले वादे किया है, कभी भी आज तक देख लीजिए आप, 70 साल उन्होंने राज किया देश में। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हट गए। आज राहुल गांधी फिर वादा कर रहा है 72,000। बताइए भाई साहब, 15 लाख करोड़ रुपया देश की बजट है, 3.5 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी जाता है। 72,000 क्या है फिर? 72,000 का क्या नारा है ये? 72,000 राहुल गांधी का खोखला वादा है, झूठ बोल के इन्होंने प्रपंच करके 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। वैसे झूठ का सहारा फिर लेके सोच रहे हैं सरकार फिर बना लेंगे। हर जगह झूठ बोला गया है, हर जगह झूठ बोला गया है। 15 लाख एक जुमला था, 15 लाख एक जुमला था। कांग्रेस ने जो बोला है वो किया है, किसानों का कर्जा माफ किया है, और ये जुमला नहीं है। राहुल गांधी ने अर्थशास्त्रियों से पूछ के ये स्कीम लाया है, और ये पक्का कुछ और झूठ। एक 15 लाख की बात करता है, एक 72,000 की बात करता है, किस रूप में? 15 लाख मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आयुष्मान योजना मोदी जी ने दिया, 5 लाख बंद हो चुकी है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ कौन बंद किया? कांग्रेस ने बंद किया ना, कांग्रेस ने बंद किया। भूपेश बघेल ने बंद किया, कांग्रेस ने बंद किया। आयुष्मान योजना किसकी देन है? मोदी जी की देन है। आज महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला, किसकी देन है? मोदी जी की देन है। क्या ये सब तमाम योजनाओं को गिनवाया जा रहा है? कितनी योजनाएं धरातल पर है? छत्तीसगढ़ की सरकार आज जो भूपेश सरकार बनी है, तब से कोई काम नहीं हो रहा है सिवाय कर्ज लेने के सिवाय, और ना किसानों को कोई कर्ज लेने के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। 60 दिन हुए सरकार को, सिर्फ अभी 60 दिन, किस रूप में देख रहे हैं? सरकार ने, कांग्रेस ने जो वादा किया था भूपेश बघेल ने, वो पूरा कर रहा है। कई किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और जो सुविधाएं थी देने का वादा किया था कांग्रेस ने, दे रही है कांग्रेस ने। जो वादा किया है उसको पूरा करने का प्रयास किया है। झूठ बोल करके मैंने 15 लाख रुपए खाते में डाले जाएंगे, ये एक जो बात की, आज तक उसमें किसके खाते में आए वो एक आदमी बता दे हमें। दुर्ग में नया, दुर्ग में नया एक मामला देखने को मिला, 72,000 वर्सेस 15 लाख। देखिए, 72,000 का जो विचार राहुल गांधी ने रखा है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी चरमरा देगी।
सब बेकार की बात है। उनसे अगर पूछिए कि 72,000 आप किस वजह से देंगे, 5 साल बाद देंगे कि 5वें साल में जब आपकी सरकार हिलने लगेगी तब देंगे कि 72,000 भागित बाय 5 साल करेंगे, ये कोई बताएगा? बिल्कुल गलत बात। क्या पैमाना क्या रहेगा? 15 लाख रुपए का जो ब्याज आएगा ना, उससे हम लोग कांग्रेस के जो लोग हैं उनके खाते में पैसा डलवाएंगे। ये नया एक नया पॉलिसी बता दिया, किस रूप में देख रहे हैं? 72,000 पहली सबसे पहली बात तो ये है कि देश में प्रधानमंत्री चाहिए, एक चौकीदार या चाय वाला नहीं संभाल सकता। ये जो जो बोले हैं जुमला बोलते आए हैं उसीलिए। अब छत्तीसगढ़ में अगर जुमला बोले, छत्तीसगढ़ में अगर जो जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, ये प्रमाण है कि राहुल गांधी जो बोला है वो आगे भी पूरा होगा। चौकीदारों की बात की गई है, चौकीदारों की बात की गई है, मैं चौकीदार चलाया जा रहा हूं। ना धारा 370 हटा, न इस 2014 के बाद हिंदुस्तान के सामने मॉब लिंचिंग ले जैसे नए नए शब्द आ गए, हिंदुस्तान के अंदर अराजकता का माहौल खड़ा हो गया और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकते। और मैं उलझुल मुद्दों का हटा के भिलाई की बात कर रहा हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र 5 विधानसभा को प्रभावित करता है और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों का पे डिविजन विधानसभा चुनाव में भी नहीं हुआ, लोकसभा में चुनाव नहीं हुआ। 25,000 ठेका श्रमिक काम करते हैं, उनको न्यूनतम आय देने के लिए 5 साल में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने ईएसआई की स्कीम लाई थी, ईएसआई का लोगों का पैसा कटता है, लेकिन 5 साल में यहाँ कहीं ईएसआई का अस्पताल भी नहीं बना है। 5 साल में मोदी सरकार ने श्रमिकों के कुछ नहीं किया। करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किसको इस बार किसको जो काम करेगा? राहुल गांधी के 72,000 में दम है और लोगों को उसमें भरोसा है। राहुल गांधी के 72,000 में दम है लेकिन मोदी के 15 लाख में दम नहीं है। देखिए चुनाव के समय बहुत सी चीजें घोषणाएं होती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अभी जैसे कि जो घोषणा की है राहुल गांधी ने, वो न्यूनतम जो वेतन की बात की है, एक अच्छी पहल है। यदि कांग्रेस कर लेते निश्चित रूप से उसका लाभ उसको मिल भी सकता है। सवाल है कि समय कम है, इस बात को यदि जनता समझ जाती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के फेवर में आएगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 लाख देंगे, राहुल गांधी ने नया नारा दे दिया कि 72,000 देंगे। सारे जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं सबका अपना अपना रहता है, कुछ ना कुछ बोल के हमसे वोट लेंगे एंड इलेक्शन के बाद वो होता है, कई कई का होता है और बहुत लोगों का नहीं होता, जिनका होता है वो तो सबको दिख रहा है। सरकार आएगी तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, नया प्रधानमंत्री होगा या पुराने ही रहेंगे, क्या उम्मीदें क्या, क्या सुझाव क्या है? वैसे तो चाहते हैं कि पुराने प्रधानमंत्री के विचार, मतलब अभी नरेंद्र मोदी के विचार, जैसे कि वो अभी जो अपना हुआ एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक किया वहाँ पे, वो वैसा होना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए, जैसे वो वहाँ से लाए अपने उनको क्या अभिनंदन को लाए वैसे। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। 2019 का चुनाव आने वाला है, नरेंद्र मोदी ने तमाम वायदे किए, राहुल गांधी भी उनके पहले तमाम वायदे करे, एक महागठबंधन भी तैयार हो रहा है, किस रूप में देखते हैं? मतदान करने अगर हम जाएंगे तो क्या सोच के दिमाग में जाएंगे? भारत के युवाओं के साथ में जो छलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये युवाओं को सोचना है। आज भारत युवाओं का देश बनते जा रहा है, इनके साथ में युवाओं के जो 2 करोड़ की रोजगार बर्बाद कर दिए, पूना में देख लिए, बेंगलोर मेट्रो सिटी में कहीं पर भी कोई रोजगार नहीं है, छोटे स्तर के व्यापारियों के लिए बुरा हाल है, उनके धंधे जीरो पे चले गए हैं, जो ले दे के खा रहे थे वो भी बर्बाद हो गए हैं। तो इस प्रकार का वादा देश की जनता से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। बहुत सुटेबल बात बोली, रोजगार और 72,000 किस रूप में देखते हैं? देखो 72,000 कांग्रेस बोलती है और बोलने और करने में बहुत, राहुल गांधी क्या जानेगा, वो तो सोने के पालने में बैठा हुआ है, गरीबों तक तो अभी तक का राहुल गांधी कभी आया भी। मैं चौकीदार है, मतलब मैं चौकीदार क्यों नहीं हूँ? अगर देश की रक्षा जनता का गरीबों का रक्षा करता हो चौकीदार नहीं, मैं भी चौकीदार हूँ, क्यों नहीं हूँ चौकीदार? एक और चौकीदार से मुलाकात हुई, सीधा सीधा बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, किस तरीके से बाकी तमाम लोग काम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा जो आपका दुर्ग लोकसभा, यहाँ कांग्रेस काबिज है अभी, तो मोदी पिछली बार क्यों नहीं, जब मोदी लहर थी तो? देखिए जी, मोदी ने बहुत वर्क किया है जो कांग्रेस नहीं देख पा रही है, बहुत वर्क किया, तो वो वर्क को देखते हुए हम उसी को देंगे। देखिए मोदी के काम को देखते हुए हम उनको मतदान करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस रूप में देखते हैं और क्या है, मतदान करने जाएंगे तो क्या दिमाग में किसकी पिक्चर लेके जाएंगे? हम तो मजबूत सरकार की पिक्चर लेके चलते हैं, जुमलेबाजी की सरकार को हम लोग कभी भी कथित भी वोट देने से इनकार करते हैं। आज राहुल गांधी जो है दिन पे दिन फेंकने की सरकार, मतलब बोलने की सरकार, कुछ भी आए मन में वो बोल देता है, कभी जिंदगी में पूरा नहीं आया। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगार को देने के लिए पैसा बोला था,
1500 रुपया भूपेश बघेल ने वो कर्ज में लेते जा रहा है, लेकिन आज भी वो चीज हमको नहीं मिल पाई। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ लोकल मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हो रही है और लोकल मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, 2014 में जब चुनाव होता है उस समय की नरेंद्र मोदी की पिक्चर और राहुल गांधी की पिक्चर, अभी 2019 में जब मतदान करने जाएंगे तो दोनों की पिक्चर में कितना धुंधलापन नजर आता है। दोनों के पिक्चर में नहीं, मोदी जी ने जो कहा था वो तो निभाया नहीं, तो धुंधली तो तस्वीर वही हो गई, मोदी जी की पूरी तस्वीर धुंधली हो गई। मेक इन इंडिया से लेके 15 लाख से लेके आधार कार्ड, जिसको मोदी जी ने कभी कहा था कि आधार कार्ड इज द बंडल ऑफ लाई, ये झूठ का पुलिंदा है, आज आधार कार्ड के बिना काम नहीं चल रहा है। अब आप देखिए ना, ऐसे तो ठोस काम है मनमोहन सिंह सरकार के, जिसको मोदी जी ढोने पे मजबूर है। मनरेगा को विफलता का स्मारक बोला था, लेकिन मोदी जी ने 5 साल में ऐसी कोई स्कीम लाई नहीं जो अकाल में राहत दे सके। आपको लगता मनरेगा पे डिपेंड है, मेक इन इंडिया को और तवज्जो देनी थी? नहीं, अभी बहुत आगे चल रहा है भारत। पिछली 70 सालों के हिसाब से देखोगे तो भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया है और आगे निरंतर करते रहेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा चुनाव? हमारा मुद्दा है भैया, देश में भाईचारा, शांति, एकता, देश की सुदृढ़ता और देश की अखंडता। जो हम खंडित हो रहे हैं पिछले 5 सालों में, जिस तरह से देश में कट्टरवाद पनपा, यह हमारे लिए चिंतनीय विषय है, हम इसके विरोधी। मेरे कुछ भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि 72,000 रुपये कहां से आएंगे, मैं उन्हें बताता हूं। आप सनद करिए, 3 महीने पहले माननीय नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपये देने की बात की, वो 6,000 रुपये कहां से आएंगे, उसका बजट कैसे होगा, जब उन्हीं के लोगों ने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। कंपैरिजन चल रहा है, काफी खूबसूरत है, तमाम ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, लेकिन आधी से ज्यादा योजनाएं धुंधली पड़ती नजर आ रही है। बेरोजगारी बढ़ गई ना सर, बेरोजगारी बढ़ गई जबरदस्ती की। 2 लाख नौकरी देंगे बोले थे, वो नहीं दिए, हर वर्ष हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, आर्थिक रूप से देश उसमें चला गया संकट में, तो नुकसान है आर्थिक। सर कभी राम मंदिर, कभी बेरोजगार, तमाम ऐसे योजनाएं, तमाम ऐसे मुद्दे धुंधले होते नजर आते हैं। जब चुनाव आते हैं हर दिन नया मुद्दा खतर, ये क्यों होता है? मेरे आज तक समझ में नहीं आया, बीजेपी जब भी चुनाव आता है उसके 6 महीना पहले उनको राम मंदिर याद आता है। राम मंदिर एक ही शर्त में बन सकता है, दोनों धर्म के लोग बैठ करके उसको डिसाइड करें कि कैसा बनना है। राम मंदिर कोई मुद्दा होना चाहिए? इस देश में गरीबी से आदमी मर रहा है, भुखमरी से मर रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, तो इस देश में राम मंदिर कोई मुद्दा होना चाहिए? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है देश का, राम मंदिर सिर्फ भाजपा का मुद्दा है जो कि चुनाव के टाइम कुकुर मुद्दा टाइप उग जाता है। और मंदिर देश का मुद्दा नहीं है तो प्रियंका गांधी क्यों जा रही है दर्शन करने? श्री रामलला के नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने प्रियंका क्यों जा रही है? शिक्षा की स्थिति मालूम है, जाना चाहिए। शिक्षा की स्थिति मालूम है भाई साहब, 70 साल में कांग्रेस ने देश को बेरोजगारी ही दी है, मुसलमानों को, माइनॉरिटी को शिक्षा नहीं दी है। शिक्षा का अभाव किया है, किसने वंचित किया है? कांग्रेस ने किया है। मोदी जी का सही काम इनको पच नहीं रहा है। शिक्षा की स्थिति पे अगर नजर डाली जाए, तमाम मुद्दे रहते हैं, तमाम चीजें मुफ्त में बांटने की बात होती है, लेकिन जो मूलभूत जरूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको कोई फ्री क्यों नहीं करता? शिक्षा लोग अपने आप से कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं, परिवार से कर रहे हैं, हर चीज में भी मांगेंगे, शिक्षा के लिए भी, चावल के लिए भी। नहीं, जब तमाम चीजों किसानों के लिए, जब किसानों को तमाम चीजें मुफ्त में बांटी जा रही है, जो आप नहीं, सिलेंडर मुफ्त में बांटा जा रहा है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो दो ऐसी चीजें मूलभूत जरूरत है, उसके लिए कोई रोड मैप क्यों नहीं है? कोई मैप नहीं है, रोड के लिए मैप भी नहीं है, सिर्फ चावल बांटो, वोट जीतो, 2500 दो वोट जीतो, आगे जब 2500 रुपए देंगे तो आम आदमी का बोझा बढ़ेगा। आपके पास आऊंगा, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत जरूरत है इस देश की, हर वर्ग की, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। तमाम योजनाओं को, तमाम मुद्दों को फ्री में बांटने की बात होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य को कभी मुफ्त में क्यों नहीं किया? स्वास्थ्य के लिए इन्होंने लाया था आयुष्मान, लेकिन फेल हो गया। ESI जो श्रमिकों के लिए था, फेल हो गया। ESI का अस्पताल आज तक हमारे यहाँ नहीं बन पाया। स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कोई मुद्दा क्यों नहीं रहता चुनाव के अंदर? स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों? जब राम मंदिर है सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें भावनाओं खेला जा सकता है, तो उस पर खेलेंगे। स्वास्थ्य से क्या करना, लोगों से, पब्लिक से मतलब ही नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वोट मांगने आते हैं। इनका धंधा है, धंधा। बहुत सुंदर जवाब दिया। कुछ युवा है मेरे साथ, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, 2019 में जब वोट डालने जाएंगे किसकी पिक्चर दिमाग में लेके जाएंगे? मोदी। मोदी कुछ विशेष? बहुत अच्छा अच्छा काम किया मोदी ने, बहुत अच्छा काम किया मोदी ने, बहुत अच्छा काम किया। कुछ कामों को गिनवा पाएंगे? आप एक दुकान चलाते? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं किया। आपके हिसाब से नहीं किया? क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? बहुत कुछ हो सकता था 5 सालों में,
बहुत कुछ हो सकता था 5 सालों में। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता था लेकिन नहीं किया। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2019 का चुनाव आने वाला है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये देखिए, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या जानते क्या है, कहाँ से आए हैं? अहिवारा से। अहिवारा से नरेंद्र मोदी को जानते हैं? फोटो देखा है। फोटो देखे हो? कौन है वो? मुख्य प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भूपेश बघेल को जानते हैं? नहीं, भूपेश बघेल को नहीं जानते। और दुर्ग जिले में बैठे गृह ग्राम है ये भूपेश बघेल का। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे हिसाब से मोदी जी जीत जाएंगे। इनके हिसाब से मोदी जी जीत जाएंगे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देश में जब चुनाव आता है, जब ही जनता जनार्दन की याद आती है, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो सरकार है वो सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाने का काम कर रही है और मूलभूत सुविधाओं के तहत ये सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्डिंग बना रही है और स्कूलों की बिल्डिंग बना रही है। उस स्कूल में शिक्षक के अभाव है, उस हॉस्पिटल में चिकित्सक के अभाव है। ये रोजगार को, अपना भर्ती को, जो अगर विधायक और सांसद की भर्ती होती है 6 महीने के अंदर अगर खाली हो जाता है तो उस भर्ती को भर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तमाम मुद्दे रहेंगे। स्वास्थ्य की बात की गई, शिक्षक मेरे सहयोगी हैं जो दुर्ग को काफी करीब से देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनिल गुप्ता के पास में आऊंगा, मेरे सहयोगी हैं। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग भिलाई, आप काफी करीब से देखते हैं, क्या यहाँ की परिकल्पना है और क्या यहाँ का जो मतदाता है वो क्या चाहता है? देखिए, दुर्ग जो जिला है, दुर्ग जिले में एक ऐसा सीट है छत्तीसगढ़ का जो जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में, मतलब कांग्रेस का सांसद है और बाकी जो 10 लोकसभा थे वहाँ पे बीजेपी के थे। तो इस बार जो है दुर्ग लोकसभा में जो महत्वपूर्ण जो रहता है जातिगत जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशी को प्रभावित करता है। वो एक वोट बैंक है। वो सवाल मेरे मन में कौंध रहा है कि तमाम बार प्रयास किए गए ताम्रध्वज साहू द्वारा अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए, जितेंद्र साहू, उनको टिकट ना, दिल्ली का दौरा लगातार किया, काफी नेताओं को अप्रोच किया लेकिन उनको टिकट ना दिलवाकर, जिनका नाम पिछली बार विधानसभा चुनाव के लिए था उनका नाम काट के ताम्रध्वज साहू को दिया, लेकिन फिर भी उनकी बात ना मान के प्रतिमा चंद्राकर को टिकट दे दिया गया। इसका कोई फर्क पड़ेगा इस सीट पर? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने भी बात किया, ये जो बात की जा रही थी कि प्रतिमा चंद्राकर का जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी टिकट काट दी गई थी, तो ये पहले से ही बात फाइनल कर दी गई थी कि प्रतिमा चंद्राकर जो है एक सशक्त दावेदार होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, जो उन्होंने, और वैसा हुआ भी, पार्टी ने उसे अपना प्रत्याशी बनाया। और जो राहुल गांधी से उन्होंने अपनी शिकायत भी बताई थी, पीड़ा भी बताई थी। छत्तीसगढ़ के मुद्दे, दुर्ग के मुद्दे क्या है? दुर्ग में वही मुद्दे हैं कि जो बेरोजगारी है, भिलाई स्टील प्लांट एक बड़ा प्लांट है जहाँ पे ठेका श्रमिक होते, करीब 25,000 ठेका श्रमिक है, उनके परिवार के लिए कोई जो पार्टी प्रत्याशी है उसका भी बताता नहीं, जबकि ये 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये जो लोग विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हैं लेकिन उन चीजों को बताया नहीं जाता। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे जाने। 2019 की जो नरेंद्र मोदी की छवि थी और अब की छवि क्या है? ऐसी ही छवि 14 में और ऐसी ही छवि राहुल गांधी की और अब की छवि क्या है? देखिए, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो सबको सर्वमान्य है, उनमें डिसीजन लेने की एक क्षमता है, जो सोच लेते हैं और वो जनता के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं, जो सोच लेते हैं उसको करके रहते हैं। ये एक क्षमता है मोदी जी में। और राहुल जी में ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं, उभर रहे हैं, अभी उनको और भी सीखने की जरूरत है। देखिए, बहुत सुंदर जवाब दिया, राहुल गांधी को और सीखने की जरूरत। मैं जब मतदान करने जाएंगे तो किस पिक्चर को दिमाग में लेकर जाएंगे? 2019 में जब मतदान करने जाएंगे तो मोदी जी का जो विकास कार्य है उसी मुद्दे पे युवाओं ने वोट करेंगे नरेंद्र मोदी को। और भूपेश बघेल की सरकार, 3 महीने की सरकार, उस 3 महीने में कई हत्या, अपहरण, लूट हुई है। यही सुपेदा चौक में ही अमित होटल के पास में लूट हुई है, 9 लाख की, 1 महीना पहले की बात है। बच्ची को जला दिया गया है, जिंदा बच्ची को अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा है। लेकिन लोकल मुद्दों के ऊपर भी काफी दबाव है, लोकल मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कुछ और महिलाएं, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महिला सुरक्षा की बात की जा रही है तमाम पार्टियों द्वारा। आप क्या पढ़ाई करती हैं? हाँ, पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं बीए फर्स्ट ईयर। नौकरी की क्या स्थिति है देश में, पता है? नौकरी की स्थिति बहुत खराब है। तो आप पढ़ाई फिर क्यों कर रही हैं? मैं अपने मतलब आगे बढ़ने के लिए कर रही हूँ। आगे बढ़ने के लिए। एक सवाल मैं आपके पास, आप भी शायद शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिस तरीके से विदेशों में बात की जाती है पॉलिटिकल स्पेशलाइजेशन की, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता?
क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड का उपयोग नहीं होता। अगर आप शिक्षा ग्रहण करती हैं नौकरी मिल पाएगी क्या? इतना आसान नहीं है नौकरी मिलना, क्योंकि बहुत ज्यादा सामाजिक स्तर बढ़ रहे हैं। आसान नहीं है नौकरी मिलना, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप ऑटो चलाते हैं, डेली कितना कमाते हैं? 500-600। खुश हैं इससे? जी बिल्कुल खुश हैं। 2019 का चुनाव होने वाला है, 2014 में नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री, आप किसको चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, कोई खास वजह? वजह भाई सब कुछ जान ही रहे हैं सब लोग। आप नहीं जान रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या है वजह? क्या है जो है सर, देश की तरक्की? वाकई देखिए वजह नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को जानते हैं। 2019 में जब मतदान करने जाएंगे किसकी छवि दिमाग में लेके जाएंगे? मोदी जी की। मोदी, कुछ खास वजह? खास वजह देश को बहुत आगे ले जाएंगे, भविष्य में भी अच्छे, मतलब अच्छा, अच्छे प्रदेश, देश को जो है ले जाएंगे, भविष्य में भी बढ़िया अच्छा रहेगा। ठीक ठीक है ना। कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी तमाम वायदे करके आए, आज महंगाई का किस स्तर क्या है आप बताएंगे? मैं नरेंद्र मोदी से पूर्ण रूप से मैं तो नहीं हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश के भी काम आ रहा है। वो बोलते हैं कि जरूर के काम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है हमें आज। अच्छा, काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण बिल की बात हुई, आपको लगता है महिलाओं के लिए कुछ कर पाए हैं? अभी यहाँ तो ऐसे देखने को नहीं मिला, लेकिन कई जगह ये सब देखने को भी मिल रहा है। अभी यहाँ देखने को नहीं मिला, लेकिन देखने को मिलेगा। कुछ और महिलाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तमाम पार्टी तमाम वायदे करती है, महिलाओं के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कुछ हुआ महिलाओं के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है सर। क्या होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से? जो सुविधा चाहिए थी वो तो मिला नहीं है। सुविधा? क्या सुविधा? कई लेडीज लोग काम के लिए भटक रहे हैं, उनको काम भी नहीं मिलता है। अगर घर के कामों में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पेमेंट कम है, उस हिसाब से पेमेंट भी नहीं मिलता जिस हिसाब से मिलना चाहिए। देखिए जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा मिली। कुछ और महिलाएं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2014 में चुनाव होता है, 2019 में फिर चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले, किस रूप में देखते हैं, किसको चाह रहे हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को चाहेंगे। कुछ खास वजह? ऐसी तो मेरे को जानकारी नहीं है कुछ का। नरेंद्र मोदी, देखिए कितनी विचित्र विडंबना है कि नरेंद्र मोदी चाहिए लेकिन क्यों चाहिए ये नहीं पता। आपने काफी चुनाव देखे हैं, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तमाम वायदे किए, 2019 में फिर चुनाव है, इस बार किसको देखता है? मतदान करने जाएंगे तो किस क्या दिमाग में लेके जाएंगे? मोदी मोदी। कोई खास वजह? हम तो शुरू से कमल, जब से बाजार में आए ना, मार्केट में जब से कमल आया, कमल से बोकारो में थे, बोकारो में कमल में देते थे, यहाँ पर ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे फिर भी कमल को? वो तो देना ही है, कमल तो देना। नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे फिर भी कमल को मतदान दिया जाएगा? 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, अब 2019 आ चला है, जबकि नरेंद्र मोदी की इमेज और अब की, राहुल गांधी की जबकि इमेज और अब की, किस रूप में देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी की तो इमेज बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। राहुल जी को तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी वन साइड है आज की डेट में, वन साइड है। कोई खास वजह? कहना चाहिए तो डेली की जरूरतों के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से और हर किसी दृष्टिकोण के हिसाब से देश के लिए सबसे आगे वही है, हम तो बहुत पीछे हैं। देखिए देश के लिए सबसे आगे वही है और देश के लिए सबसे बेहतर वही है, नरेंद्र मोदी सीधा सीधा बताया गया। और तमाम इन मुद्दों को लेकर हमने दुर्ग भिलाई लोकसभा का पूरा भ्रमण किया, लोगों से जाना, तमाम उन लोगों से जाना जो यहाँ की पराकाष्ठा लिखते हैं, यहाँ की सीट के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, मतदान करते हैं। ये वही इलाका है जहाँ से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री चुन के आए और 15 साल के वनवास को खत्म किया, यहाँ से आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने।